निकल रहे हैं, क्रेन पे हम बैठे हुए हैं, हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। सुबह के 6 बजे 9:30 बजे जिसके ज़रिए हम पहले मस्कत जाएंगे और फिर चलते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गया। असा तारक असा की रिसीव करन आया तो आने से लोग दो दो ढाई ढाई घंटे लगने से 15-20 मिनट ही बाहर निकल आया। हूँ जुले इन्होंने डेरे और उस तो बाद इंशाल्लाह सीधा मक्का उमरा करने ते त्रै रात वास्ते। रात पै गई जी, हूँ जा रहे हैं असं चौधरी तारक साहब ने और सजाद साहब ने डेरे पर। अल्लाह तुम मान जो जी तारक साहब ने रिहाशला इलाका मैं पापा एंटर हो रहे गेट से। वाह जी वाह, नमाज बन गए जी, नमाज बन गए। अच्छा मैं अपने कजन और भाई चौधरी तारक साहब ने बहुत ज्यादा मशहूर हाँ कि उन्हें 15 दिहाड़े असा ने ना लो कोई काम नहीं किया और पापे ने हाथ पोड़ी एक एक जगह नाल अपने को खर्चा किया ने माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें की जजा दे। तवाफ करी तो हूँ असं उमरा मुकम्मल करी हूँ बाल कटवाने से जा रहे हैं। माशाल्लाह इसलिए तकरीबन क्या टाइम हो गया, 2:45 पाकिस्तान ने तकरीबन 4:45 हो गए सवेरे, उमरा असं मुकम्मल हो गया। कल असं बाइक गया इसे हूँ सवेरे खैर 3 होगी, हूँ वापस जा रहे हैं बाल कटवाए कमरे च। यानी नमाज पढ़ने वास्ते होना सा हरम जुले
तारक मेरे कजन शायद आपको याद सलमान की भाई कहता और ये देखो ये इतना बड़ा ट्रावर ये गलती मुजलफा राती मगरब नहीं गठे ईशान तो मगरब नहीं गठे पढ़ने फिर रात पूरी उठा गुजारने अच्छा फिर सुबह इसमें देखो काली दीवार बेसिकली छतरी ने थले इतने शैतान की कंकरियां मारियां इस जगह सारी क्या ने मीना ठीक हो गया ये वाली मस्जिद ये मीना मस्जिद है मीना मस्जिद अच्छा और मस्जिद तवारत भी कहते हैं तवार है अच्छा ये सारा जब खेमे जितने लगे हुए ये बस्ती सारी मीना की है अच्छा बहुत बड़ा इलाका आपके भाई क्या नाम है अनवर भाई बांग्लादेश के माशाल्लाह इनको उर्दू भी आती है और ये हमें अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं अरबी तो आती है ना आपको असल कमाल है आपको उर्दू भी आती है यहाँ से अरफात शुरू हो गया हाँ, यहाँ मुज़दलफा खत्म और अरफात है सामने इधर ही नहीं है इधर नहीं आगे आगे अच्छा थोड़ा आगे है अभी तो मुज़दलफा ही है मुज़दलफा खत्म हो गई इसके जो मुज़दलफा और अरफात के दरमियान इधर बस मुज़दलफा अरफात ये नाम है इधर अवाली देते अवाली अवाली आज का खुतबा यहाँ से होता है तो दूरा का नमाज पढ़ लो बस जी मैदान अरफात में हम लोग पहुँच गए मस्जिद नमरा मैदान अरफात के अंदर जी बाबा ये मैदान मैशर है अच्छा मैदान अरफात ये मैदान अरफात में जबले रहमत इथे बारे बाबा बहुत इसने बारे च क्या सी अम्मा आवाज दा बाबा आदम ने सलाम नहीं जेडी बिछड़ी हुई सी ते जगह इथे मुलाकात अच्छा इथे मुलाकात इथे इथे फिर हुई सी इथे हुई सी अच्छा 40 दिन पता के किसने दसने के 40 साल इस पहाड़ी ने च फिरिए फिरने दे मुलाकात नहीं हुई एक दो दिन अच्छा फिर इतना तोबा मंजूर हुई तो फिर मुलाकात हुई ठीक है जबले रहमत मस्जिद-i-Nebevi'ye
manfaat atau bisa menolak bahaya, semuanya itu sama sekalian tidak benar. Bapak Ibu saja justru malah mendapatkan dosa dan kesalahan. ਇਸ ਨਾਲ 360 ਵਿਊ ਦਾ ਸੋਚ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਫਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਫਾਤ ਗਾਰ ਹੀਰਾ ਉਹ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਅਬ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਗਾਰ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗਾਰ ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਸੇ ਇੱਧਰ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅਨਵਾਰ ਭਾਈ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਕੋ ਗਾਰ ਹੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚੋਟੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਤਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏ ਨੀਚੇ ਸੇ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਗਤਾ ਹੈ इसको अरबी जबल नूर कहते हैं पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी सब कॉन्टिनेंट में हम इसे गारे हीरा अरबियों को इतना नहीं पता गारे उसको कहते हैं जबल नूर गारे हीरा ना रा उस ओर ना देखो तो पहाड़ ने ना बिल्कुल से बन्ने दिसन ऊपर चढ़ने उत्तर रेन चढ़ने हैं देखो ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਦ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਟੈਂਪ ये जन्नतुल माला मौला माला माला जन्नतुल माला कब्रिस्तान है छोटी छोटी बस ये वो एरिया सारा काफी बड़ी चार दीवारी बनी हुई है अंदर तकने तुमका नहीं सी खाली इस तू देख सकने हो ਮਜੀਦ ਨੀ ਕਬਰ ਮਲਕ ਮਾਜਦ ਨੀ ਗੌਰਨ ਮੱਕਾ ਨੀ ਅੱਛਾ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨਕਾ ਕੁਰਾਨ ਤਾਲਿਮ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਸਿਜਾਰਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮ ਕੇ ਬੈਗ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਕੇ ਇਧਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਬਤਾਇਆ ਤੁਮ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਤਾਇਆ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਤਾਇਆ ਤੁਮ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਤਾਇਆ ਯੇ ਗਾਜ਼ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਹਮ ਰਸੂਲ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਤੁਮ
मालूम है तो बताया मालूम, तो गास के बात करो, ये क्या है? अच्छा। वो गास बात करे, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, ये मुर्जे सिज्जर, सिज्जर है गास। अच्छा, ये उसका पीछे वाली साइड है, ये वाली ये मुर्जे। अच्छा, ये ठीक हो गया। मैं आज 24 फरवरी 2019 का जोर नहीं नमाज इसलिए हरम च पढ़ तारे गया वो सामने काबे जमजम देखने पर स्ट्रीट है, गली कश्मीर, उस पर 5-6 पाकिस्तानी होटल है और उसमें पाकिस्तानी तैयबा में हमने ट्राई किया बिरयानी और चिकन कोरमा, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। दो तीनों चीज़ें हमें 24 रियाल की मिली थी। तो जब आप आएँ तो यहाँ पे हरम से बहुत ही करीब है, यहाँ आप आके पाकिस्तानी खाना ट्राई कर सकते हैं। चौबीस फरवरी है और ईशा ने اشهد ان لا اله الا الله بسرعه بسرعه امشوا السلام عليكم اشهد आखिरी दिन है, कमजोर नमाज पढ़ी, अस चेक आउट कर जा और मतलब होटल तो असं निकल सा, चेक आउट करी इस तो बाद जासा और सीधे फिर जद्दा लगे जासा, फिर दो दड़े जद्दा रहसा, फिर इंशाल्लाह मदीना शरीफ जासा, फिर अस इतने अज आखिरी नमाज है इंशाल्लाह। जान पाकिस्तान जाने तो पहले एक अलविदाई उमरा दोबारा कर सी 4 या 5 मार्च की उसे।
आज 28 फरवरी है, कल अस इत आए से मदीने दो दड़े से जदा रहे हैं, फिर उस तो बाद इत आए हैं। तो हम अपना कल ने अस इतना नमाजा शमाज पढ़िया, रोज़ा रसूल ने हाजरी दी, और हूँ जड़ा ना अज अस दूसरा दिन है, कल अस इत वापस लगे जा। और बाकी सारिया ज्यादा शायद इंशाला सवेरे कर सा, हूँ अस बस नमाज पढ़ रहे हैं और रोज़ा रसूल की ज्यादा कर रहे हैं। मदीना जो सामने रूम त्रै बेडरूम और ये इसमें बाहर में व्यू है, सेकंड फ्लोर पर आसम नाल इसने बिल्कुल पीछे आ रहा मैं मस्जिद नबी। सुबह भी अस गए हूँ, फिर इंशाल्लाह एक दफा फिर ज्यारत कर सकते जोर ना, जिस तरह मैं पहले पाया इस वेल जोर ना टाइम है तकरीबन 12:15 बजे 28 फरवरी 2019 वो पापा तो तारक अगर जा रहे मस्जिद नबी अस अंदर दे सामने जी मखसूस जगह है ना इसकी आने रियाजुल जन्नत इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने रहे और इतना सब तो ज़्यादा सवाब है इस जगह नमाज पढ़ने उन्हें साझा करने ज्यारत कर रोज़ा रसूल है और सामने जाली में अंदर नबी हरम शरीफ है मदीना का मक्का उसी तरमीम नहीं करनी छोड़ी थी ना। अच्छा अच्छा फिर जो ये बनाया ना तो कोई दरमियान जो इन कारण शुरू किया इस कारण शुरू किया इस कारण कोई जिन्हें कितने फायदे छतरियाँ नहीं है बाकी उस सारा है बाकी ये पुराना बनया ना 100 साल 150 साल पुराना अच्छा चेंज नहीं किया नहीं नहीं ना कर सकते ये मतलब खाद में दूरी बनया रहा। अच्छा चलो ठीक ये सामने जी चार दीवारी है जन्नत और बक्की है कब्रिस्तान है और ये दूर जो सामने नज़र आ रहे हैं सारे होटल हैं हरम ने चौं पास काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है लेकिन थोड़ा जहाँ अगर तुम पर लगे जाओ होटल सस्ते हो जाएंगे। मदीने चासा ना होटल नदा तयबा होटल बैक साइड के ऊपर जाओ तो सामने ही हरम शरीफ तकरीबन 2 मिनट लग गए थोड़ा सारे होटल न गए जद्दा और मक्का वाले पास
अच्छा ये जड़ी बड़े बड़े तुसें सामने होटल नज़र आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बैक साइड पर एक बिल्कुल इन्हें होटल की क्रॉस करो तो सामने तुसें कि हरम शरीफ यानी मदीना मस्जिद नबी नज़र आ रही है। अच्छा इस तरफ मतलब जब मैं अगर इस तरफ तुसें ये ले होटल किन्नो तो ये तकरीबन ये महंगे होटल हैं, ठीक है, आसान होटल असं इसी चल। अच्छा ये जड़े ना ही महंगे ना, तुसें सिर्फ इस ब्रिज की क्रॉस करो यार, जरा मैं ब्रिज दस रहा है डिस्ट्रिक्ट ब्रिज आप अंदर तक क्रॉस कर रहे, अगर इधर रार आई जाओ यानी ये इस पास है इधर तुसें अद्धिया रेटों तो भी घट होटल लभी जा सकते, थोड़े मतलब उस तरह ने है साहब पाँच पाँच तकरीबन एक एक रूम चाहिए जाने तुसें कि आलमोस्ट 60-70 रियाल च एक कमरा मिली जाना जिस पाँच बंदे रह जाने, और इतने पाकिस्तानी है तुसें देखो होटल शोटल भी सारे उधरों भी परले पास भी लोग इतने रोटी खाने पाकिस्तानी होटल हैं, मतलब इतना चीज़ा तुम एक एक रियाल नहीं तस्पी टोपियाँ दो दो रियाल दियाँ सारिया चीज़ खजूर सारिया चीज़ा सस्तियाँ लगभग, और ये जड़े पैकेज वाले ज़्यादातर लोग उमरे भेजने इतना ही इन लोगों की रखने, सो मैं तुम्हें दसी होना बिल्कुल दो मिनट लगने सो ब्रिज क्रॉस करी इसकी तो पार जाओ ठीक नमाज पढ़ो फिर वापस होटल आई आ जाओ, रेट अते तो भी घट बल्कि उधर तुम दो त्रै बैडरूम इन्ना बड़े होटल नहीं लगना इतना तुम्हें पाँच पाँच छे छे बैड भी लगे हुए हैं। आज पहली मार्च 2019 है हमारा आखिरी दिन है मदीना अस जुमे नहीं नमाज पढ़ने पर आए बाद लगे अस वापस मदीने अंदर ना कुर्सियाँ रखी हुई जो बंदे बेहत है नमाज पढ़ने लगे हुए इतने पानी पीने वास्ते कम ये करी सकने जो भी इच्छो 15-20-25 रियाल ना कुरान लगना उसने पर मोर लाने तुस अच्छी इतने अंदर रखो जरा कोई पढ़ सी तुम सवाल नहीं मस्जिद सारे हटिए ने कुरान जुमे नहीं पड़े जुमे नहीं नमाज है पापा तो असा होटल चू चेक आउट किया हूँ असने दोस्त हैं चौधरी शबीर साहब इतना एक फ्रेंच कंपनी इंजीनियर है थारे ने बेसिकली बट इज अ ब्रिटिश नेशनल टू डडियाल थारे ने तो हूँ असा जरा ना माशाला जुले हाँ पहले तो ज्यारत कर स जंग ओहद की तकन जुले हाँ ये सारिया ज्यारत करी तो फिर अस नाल ही जुले जद्दा इंशाल्लाह आज असा शामी जद्दा पहुंचे जंगे हो दे वो जिथे बंदे खलते हुए वो इस जिथे तीर कमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े किते से तो माले गलीमत वस थोड़ी है ये आने हां बिल्कुल बिल्कुल और फिर हजरत खालिद बिन वलीद पहुंची तो उठा मुसलमाना की उठे कामयाबी नहीं सी मिली इस जंग इस वजह से ये मस्जिद जेड़ी है ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜੰਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਇਹ ਮਸਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਟਰ ਰਚਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਮਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਸਾ ਜੇ ਦੁਆ ਇਥਾ ਮੰਗਣ ਨਫਲ ਪੜਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਣ ਕੋ ਸਾਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆਹੋ ਜੰਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ जंगे ओद ना कब्रिस्तान है जिथे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा हजरत हमजा उन्होंने कब्र भी है और बाकी जी शहीद कब्र इतना कब्रिस्तान है नाल मस्जिद है तो पहाड़ी है अपना रुख तुसा बैतुल मक़द्दस नी बजाय काबा यानी मक्का नी तरफ करी गई उस मस्जिद ना असा ज़ियारत वास्ते किबलातैन मतलब भी ये है जे वो मस्जिद जिसने दो किबले हैं हां जी जी हां मस्जिद जिसने दो किबले हैं अच्छा अच्छा मस्जिद अल किबलातैन हां माशाल्लाह माशाल्लाह क्या सी पापा
شادی کر اچھا تھی اکثر لوگ کھجورا خوشبو بیچنے نظر آپ سے وہ نفل بھی تھا پڑھنے سننے یہ سامنے جڑا نا مسجد بلال ہے اساں ویسے تو اس وقت مسجد کبا نے پاسے جا رہے ہیں لیکن اتھو اساں گزر رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جتھے حضرت بلال حبشی نے نام پر ہے جو صاحب جو نام انہوں نے بڑی مطلب اذان جنہوں نے مشہور ہے خواہش سی اسا نے کر رہے کتنے ہزاراں نمازاں نے ثواب ہے جس سے دو نفل پڑھو ماشاء اللہ بہت بڑی مسجد ہے بہت بڑی اجے بھی اس میں پلاننگ نقشے وغیرہ تیار ہیں تعمیرات شروع نہیں لیکن اس کی بھی ایکسپینشن کر سن بہت وزٹر اچھے ہیں اور تاریخی بھی بہت بڑی جگہ ہے نا کبوتر بیٹھے ہوئے ایک کبوتر ہاں گنبد پر جی صاحب ویلکم ٹو مسجد کوبا ہن ایتھے انشاءاللہ دو نفل پڑھساں بھائی شبیر نہیں کٹ سی انہوں نے گڈی چا آیا انہوں نال اصل زیارتیں کرا رہے تو ان شاء اللہ زیارتیں کری تو پھر جدے وسے جا سکے ہوں جلنے اندر تو دو نفل بنے مسجد گبا نہیں ٹھیک ہے جی سوئی میں کوئی درد شرد ہونا جس طرح مرضی تنوتر میں درد شرد ہونا خون وہ تو درد وہ جی خون نہیں تو درد کدھر ہے پیو اج 4 مارچ ہے اور اج اسا الوداعی عمرہ کرنے واسطے مسے مکہ پہنچے ہاں حرم شریف ان شاء اللہ ہوں عمرہ ادا کرساں اس تو بعد واپس سیدھے جدہ لگے جساں تے پرسوں 6 تاریخ دی رات ساری فلائٹ ہے دیکھو حرم شریف پہنچ گئے پاپا تو تارے سب جا رہے ہیں
ਪਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਚ ਖਲਤੇ ਹੋ ਇਸਲੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਹੀ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਉਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਵਾਫ ਕਰਸਾਂ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਲਾਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਕਰਸਾਂ ਸਫਾ ਔਰ ਮਰਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾਈ ਉਮਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਸਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਮਾ ਵਾ ਨਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਮਨੂ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੱਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਕਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬਲਦ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਕੀ ਜਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਘੋਟਿਆ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ 6-7 ਮਾਰਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਹੁਣ ਜੱਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 12:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਾਂ ਚੋਈ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੋੜਨਾ ਆਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਾਹੀ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਪਰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਾਪਾ ਫਾਕਰ ਹੂੰ ਇੱਜ਼ੋ ਨਦਾਮਤ ਸਾਥ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਇਲਾਹੀ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਪਰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਾਪਾ ਫਾਕਰ ਹੂੰ ਇੱਜ਼ੋ ਨਦਾਮਤ ਸਾਥ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਭਿਕਾਰੀ ਵੋ ਕਿ ਜਿਸਕੇ
पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे फिर सो हवस ने मार डाला है। बताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकून कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इस यहाँ की दल दल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल भुन के अपनी रूसियाही से सरापा फाक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से।